पहले से यहाँ पे परेशानी कम नहीं है, ऊपर से आप आ गए हो मेरी परेशानी बढ़ाने के लिए। वाह, ये समझा आपको? समझाई आपको? हाँ, ये समझ में आ रहा है, लेकिन मैं आपकी परेशानी बढ़ाने नहीं आया हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं आपको परेशान देखा तो मैं चला आया। मुझसे परेशान खूबसूरत लोग देखे नहीं आते हैं। भीगे होंठ तेरे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आपने कुछ बोला, मैं सुन ही नहीं पाया। वालेकुम सलाम। अरे थैंक यू सो मच। मैं आपकी कुछ मदद करूं क्या? कुछ खो गया है क्या आपका? हाँ, मेरा पर्स खो गया है यहाँ पे कहीं पे। ओह माय गॉड, मैं भी सोचूं आप इतने टाइम से ढूंढ के आ रहे हो। गर्मी हो रही है क्या? नहीं, ठंडी लग रही है। अच्छा, मौसम चेंज हो रहा था ना, ठंडी का मौसम तो आ रहा है, ये बात तो है। हाँ। मैं ढूंढता हूँ इधर। हाँ, इसके में तो कितने टाइम से आप ढूंढ रहे हो? 10-15 मिनट हो गए। तो मिलने वाला रहता तो मिल जाता, मतलब कोई उठा ले गया आपका पर्स। कहाँ गिरा था वैसे, मतलब आपको अंदाजा है? आपने तो नहीं उठाया? नहीं, अरे भाई मैं चोर, सकल से चोर लगता हूँ क्या? ऐसा थोड़ी ना हो कि मैं किसी का पर्स उठा लूंगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कहाँ गिरा था? कुछ भी हो सकता है दिन दहाड़े। अभी मैं ऑटो में आ रही थी तो एक अंकल को हेडफोन्स मिला, एक बाइक वाले का। उन्होंने उठा के उसको दिया भी नहीं, बोलते पुलिस स्टेशन में भर्ती कर दूंगा। अब वो आदमी को सपना आएगा कि उसका हेडफोन पुलिस स्टेशन में भर्ती हो गया। अरे रे, मुझको समझ में नहीं आया आपने क्या बोला कि पुलिस स्टेशन में हेडफोन भर्ती हो गया है। मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ आपकी बातों से। आपकी आपका सुंदर चेहरा देख के पहले से यहाँ पे परेशानी कम नहीं है, ऊपर से आप आ गए हो मेरी परेशानी बढ़ाने के लिए। वाह, ये समझा आपको? समझाई आपको? हाँ, ये समझ में आ रहा है, लेकिन मैं आपकी परेशानी बढ़ाने नहीं आया हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं आपको परेशान देखा तो मैं चला आया। मुझसे परेशान खूबसूरत लोग देखे नहीं आते हैं। हाँ, मैं देख रही थी, आप कब से हमको देख रहे हो, जब मेरी दोस्त भी थी मेरे साथ में। कहीं आपने तो मेरा पर्स नहीं उठाया? हाँ, यही काम है, मतलब यही करता हूँ मैं। यहाँ पे लोगों को देखता रहता हूँ, किसी का पर्स छूट जाए या कुछ हो जाए तो मैं उनका पर्स मार लूँ ना, यही तो काम करता हूँ मैं। मजाक कर रहा हूँ यार, मैं किसी का पर्स क्यों मारूंगा? मैं इसलिए देख रहा था क्योंकि आप बहुत ही खूबसूरत, माशाल्लाह बहुत ही सुबहान अल्लाह लग रही थी। अच्छा, आने के लिए। हमको तो पता ही नहीं था। अरे सच में, इसीलिए मैं आपको देख रहा था, नहीं तो मैं किसी को नहीं देखता। आज तो मैं किसी लड़की से आँख नहीं मिला, कसम से, मैं कान पकड़ के बोलता हूँ। सच में आप खूबसूरत लग रहे थे इसीलिए। तो फिर मैंने देखा कि आप बहुत परेशान हो, तो मुझसे देखा नहीं गया कि ओ माय गॉड, जो लड़की मुझको इतनी खूबसूरत लग रही है इतनी परेशान। तो मैं बोला कि अभी आता हूँ और देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। मुझको लगा कोई आपको छेड़ रहा है, जो आप जा नहीं रहे हो यहाँ से। दिन के टाइम आपको कोई मिला नहीं पकाने के लिए? मैं ही मिली। मतलब दिन के टाइम आपको पकाने के लिए कोई मिला नहीं, मैं ही मिली? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं क्यों आपको पकाऊंगा? यहाँ मेरी चीज खो गई है, वो भी इतनी इम्पोर्टेंट, और आपको हंसी आ रही है। अरे मुझे हंसी नहीं आ रही है। तो हंस तो रहे हो आप। अच्छा सॉरी, क्या आपका चेहरा ही ऐसा है? हाँ, मेरा चेहरा ही ऐसा, यही तो दिक्कत है। वो यार, मुझे हमेशा हंसी आती रहती है, पता नहीं क्यों, मैं दुखी नहीं रह पाता ज्यादा टाइम तक। तो नहीं मिलेगा सच में। मैं यहाँ पे 4-5 लड़के थे, मुझे लगता है वो उठा ले गए होंगे। आप तो कुछ टाइम पहले कहीं गए थे ना? ऑटो पकड़ने गई थी। तो क्या हुआ, आपकी दोस्त चली गई क्या? हाँ, उसका बॉयफ्रेंड मिल गया उसको, इसके लिए वो चली गई मेरे को अकेला छोड़ के। अरे तो आपको ऑटो नहीं मिला? ऑटो फ्री में नहीं ले आ रहा था? ऑटो मिलता मुझे, पर पर्स ही नहीं है हाथ में, तो क्या ऑटो पकड़ती मैं? तो पेटीएम नहीं इस्तेमाल करते हो? पेटीएम कर रही हो? नहीं। अच्छा, नहीं करते हो? तो आप इतने खूबसूरत पहले से ही, बचपन से या अभी? अभी अपनी अम्मी और अब्बू से पूछ के आती हूँ। अच्छा, उनको मेरा नाम भी बताइएगा। वैसे आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं कुछ नहीं, आप, मैं बता तो, आप बेहद ही खूबसूरत लग रही थी तो मैं चला आया आपसे मिलने के लिए। तो आप रोज इधर ही भटकते रहते? नहीं, मैं आपको परेशान देखा इसलिए मैं चला आया। परेशान करने के लिए? नहीं नहीं, आपकी परेशानी ठीक करने के लिए। तो ढूंढो मेरा पर्स। मैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अगर किसी का पर्स गिरेगा तो बचेगा 15-20 मिनट। यहाँ पे 4-5 लड़के थे आवारा टाइप के, वो आपके पर्स उठा रहे। आप मुझे बोल रहे थे कि आप कब से मुझे देख रहे हो? तो मैं भी चला गया था, अभी तो उधर से सिगरेट पीते हुए आया, तो मैं देखा आप टहल रहे हो। अच्छा अच्छा, तो आप इनडायरेक्टली ये बोलना चाहते हो मेरे को कि आप मेरा पीछा कर रहे थे? बक, ऐसा कुछ नहीं है। मैं, आप गए, मैं था तब, मैं आपको देखा था उस टाइम पे, फिर आप चले गए तो मैं भी सोचा चलो भाई चले गए होंगे अपने घर, मेरा भी मन ताजा हो गया, मैं चला गया उधर सिगरेट पीने के लिए, कोल्ड ड्रिंक। मैं उधर से आया तो मैंने देखा आप दोबारा, मतलब मैं 15-20 मिनट बाद आया हूँ ना उधर से,
तो मैं देखा हूँ आप इधर उधर टहल रहे हो, मुझको लगा कि आप तो दोस्त के साथ थे, आप अकेले टहल रहे हो, तो ये अच्छा मौका है आपसे बतिया लो, क्योंकि आपकी दोस्त बड़ी खड़ूस लग रही थी ना, क्या पता उसको दो चार गालियाँ देती तो, इसलिए मैंने सोचा कि हाँ वो बोल तो रही थी कि कोई लड़का मुझे बहुत बार देख रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। वाह क्या मुस्कुराहट है, मैंने तारीफ नहीं की आपकी। हाँ तो तारीफ कर रही थी क्या मेरी, कह रही थी क्या कि वो लड़का सुभान अल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, ऐसा बोल रही थी ना? नहीं अभी बोल दूंगी तो मैं आपको बुरा लगेगा। हाँ तो बुरा लग जाने तो बोल दो। कुछ नहीं बोल रही थी, कौन है छपरी? अरे छी किस एंगल से मैं छपरी लगता हूँ, मेरे बाल बाल सफेद है क्या? हद पार है, जितना शरीर लौंडा दिखता है सबको छपरी लगता है। वैसे आप कहाँ जाने वाले थे? मेरा छोड़ो आप अपना बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विशाल है, विशाल गोस्वामी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फातिमा है। फातिमा, वाह क्या ही बात है, आपके नाम पे दो चार फातिमा मैं भी पढ़ लेता हूँ। वो फातिया होता है। अच्छा वो फातिया होता है, मुझे लगा वो भी फातिमा होता है, सो सॉरी। मैं आपको बकवास था, अच्छा मैंने अपना फेक नाम बताया। अच्छा ओरिजिनल नाम क्या है? हे भगवान मैं नहीं बता सकती, आप कौन हो जान का पहचान में आपको नाम बता दूं? अरे मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ सच में, आप गूगल पे भी मेरा नाम डाल सकते हो, मैं ऐसे कोई फेक एक आदमी नहीं हूँ। ये देखो यहाँ पे आप यूट्यूब पे जाके मेरा नाम डालोगे विशाल गोस्वामी बाबा, ये आ जाएगा देखो। अच्छा मैं ऐसे ही मतलब घूमता फिरता रहता हूँ, ऐसा कोई फेक पर्सन नहीं हूँ। कितने टैटू है आपको? तीन चार है। तीन चार? एक आपके नाम का ही बनवा लूंगा, आप टेंशन क्यों लेते हो? शुक्रिया जी। हाँ मत आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ बस, फातिया। अरे फातिमा ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ राह चलते किसी भी लड़के की मैं गर्लफ्रेंड बन जाऊंगा। वाह सुभान अल्लाह, जैसे ही आप फ्री टाइम नहीं रखा हुआ है मेरे पास। फ्री टाइम है आपको, आपके लिए मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा आप ये बोलना चाहते हो कि जो थोड़ा मोड़ा फ्री टाइम हो आप मुझको देना चाहते हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तो आपका मददगार साबित हो रहा हूँ ना, मैं आपको घर तक छोड़ के आता हूँ, आओ टेम्पो में। टेम्पो में? अरे मतलब टेम्पो पकड़ा देता हूँ, रिक्शा। टेम्पो क्यों? मैं सामान नहीं हूँ, मैं चलता फिरता इंसान हूँ। मैं रिक्शा पकड़ा देता हूँ आपको, आपको जहाँ जाना है आप चले जाना, बाद में मुझको पेटीएम कर देना, मेरा नंबर लिख लोगे तो पता चल जाएगा समझे। वैसे आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती, आप मैं भी आपको खूबसूरत लग रहा हूँ सच बताओ। तो आप ये कहना चाहते हो आपका नाम क्या है? फातिमा इस ओरिजिनल नाम है ना? नहीं मेरा नाम ओरिजिनल नाम मेरा समीना है। ओह माय गॉड समीना जी। समीना यासीन पालोजी। पालोजी हाँ समीना यासीन पालोजी। वो है मेरा सरनेम, पता है आपको? हाँ उनके आप लोग वहाँ नहीं पता है आपको? मैं बताती हूँ आप, मैं कोकनी हूँ इसके लिए मेरा सरनेम पालोजी है। मेरे को नहीं पता ये कोकनी क्या होते हैं। आपका गांव कौन सा है? मैं मेरा गांव यूपी में है, गोरखपुर आजमगढ़ तो उस साइड। रास्ता कैसे इधर और इधर जाता है ना, इसके लिए इधर का रास्ता आपको समझ नहीं रहा है, क्योंकि आप ठहरे यूपी के, मैं ठहरी रत्नागिरी। हाँ तो मेरे सारे दोस्त हैं ना मुसलमान, बहुत सारे दोस्त हैं। अच्छा। यूपी में तो बहुत ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी, मैं काफ़ी लोगों की हेल्प करता हूँ, और वैसे मैं इतना बुरा हूँ नहीं जितना बुरा आप बोल रहे हो। क्या हेल्प करोगे आप मेरी? मैं आपको पैसे दे दूंगा, रिक्शे तक पहुंचा दूंगा, आप जैसा बोलोगे वैसा। मेरे को ना आपके पैसे नहीं चाहिए। हाजिर है आपके माशाल्लाह, आप घर जाके मुझको भेज देना, आधार कार्ड तो आप घर जाके निकलवा ही लोगे। अच्छा तो आपके पैसे और आधार कार्ड खो गए ना? हाँ मेरे पर्स में मेरी पर्सनल आईडी और मेरे कुछ पैसे रखे हुए थे वो खो गए। हाँ पर्स के साथ, पता नहीं किस बेवकूफ और किस निठल्ले इंसान ने मेरा पर्स चुरा लिया। अच्छा हुआ जो मैं नहीं हूँ। आज जिसको ही गाली दे रहे हो अच्छी बात है, लेकिन मैं तो नहीं हूँ। मैं भगवान कसम मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, भर भर के पैसे हैं, ये सब चोरी चकारी काम में करता भी नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हो। अच्छा हाँ तो आपके पास बाइक या कार क्यों नहीं है? बाइक और कार तो मेरी कार पे है, लेकिन आपको लगेगा मैं कार में बैठा के आपको कहीं और लेके चले जाऊंगा, इसलिए मैं बोला मैं आपको पैसे दे दूंगा आप घर चले जाना। मुझको नहीं, लगता नहीं, है आपको ऑटो पकड़ के देना, जो आपने इतना अभी मेरे को खड़े होके तंग किया पकाया, जो मेरा टाइम लिया ना आपने, आप मेरे को ऑटो दिला देना बस। मैं आपको ऑटो दिला दूंगा, एक काम करो मैं आपको ऑटो दिलाने नहीं जा रहा हूँ, आप पैसे ले लो और ऑटो पकड़ के खुद चले जाओ, पता चलेगा आपको लगेगा कि ऑटो वाला भी मुझसे मिला हुआ है। ये लो एक नहीं, काम नहीं, करो नहीं, मुझे उतनी आपकी हेल्प नहीं चाहिए। अरे मैं नहीं, नहीं मैं खुद चली जाऊं। आप बहुत ही प्यारे हो, मैं भी बहुत नहीं, प्यारा हूं। मैं खुद चली जाऊं। ये लो लो पैसे लो। नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मैं खुद चली जाऊं। अरे नहीं नहीं आप लो पैसे लो, आप कैसे जाओगे, कैसे जाओगे पैदल पैदल? आप बस चलो मेरे साथ, मेरे को ऑटो पकड़ के दे दो।
आपको चाहिए आप मेरा नंबर ले लो या तो आपका नंबर दे दो, मैं आपको ऑनलाइन पे कर दूँगी। ओह माय गॉड, तो मेरा इंस्टाग्राम पे आईडी, अच्छा अपना नंबर तो दे दो। ठीक है, आप इतने खूबसूरत पहले से हो या? अच्छा ये दोबारा बोल रहा हूँ, मैं घर जा रही हूँ ना, कीपर तो खोल लो। आप मेरे को मिस कॉल दे देना, आपके नंबर पे कॉल करके मैं अपनी अम्मी अब्बू से पूछ के बताऊंगी मैं इतनी खूबसूरत कैसे हूँ भला। अरे थैंक यू सो मच यार, आपने जो बात की है सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे हम लोग का कुछ हो भी सकता है। देखो आपको नंबर देने के चक्कर में मैं अपना ही नंबर भूल गई, चलो याद आ गया। अरे थैंक यू सो मच, नंबर दे रही हूँ अपना ओरिजिनल। अरे थैंक यू यार, बहुत बढ़िया यार, बहुत प्यारे हो आप। आपका नाम क्या था? अरे बहुत बड़ा नाम था फादर, पता नहीं क्या। समीना, कॉल मी सैम। आओ कॉल मी सैम। हाँ शुक्रिया। आओ मैं आपको टेम्पो पकड़ा देता हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आओ, वैसे आप सच में खूबसूरत तो हो ही, आओ हमारे यहाँ आपकी दोस्ती तो हो ही गई होगी ना। हाँ हो गई। ओह थैंक यू सो मच यार।